सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहां पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है, इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यहां पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है KCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यार ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स की, भैया ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। आप दो क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो सामने दिया हुआ है, और दो क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो आपको पीछे दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन KCET के 2019 के क्वेश्चन है राइट। अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने हैं 2021 के 2022 के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आपको मैं बता दूं आप हमारे KCET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 5 घंटे का ही सिर्फ कोर्स है, कम टाइम में एग्जाम के पहले अगर आप कोर्स को देख करके जाओगे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई रहेगा। इसके अंदर में 5 घंटे में आप सारे ट्रिक्स को सीख जाओगे, आप उसके एप्लीकेशंस को देख लोगे ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है तो भी आप 75-80 मार्क्स मैनेज कर सकते हो कोर्स को देखने के बाद में, और अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है आप 70-80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो वहां से आप बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का लगा के अपने स्कोर को जो है बूस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका स्कोर जो है 120 प्लस आए ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के एनरोल करो। अगर आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो भी गया है तो भी कोई बात नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, काफी ज्यादा आपको जो इससे बेनिफिट मिलेगा ठीक है। अब यार बात करते हैं 4 क्वेश्चंस के बारे में, तो इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अज्यूम कर लो कि ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए। अब अगर ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं है तो आपको तुक्का तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन है बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, रैंडम तुक्का लगा देते हैं, फटाफट कोई भी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। वो गलती आप लोग मत करना, आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करके जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को यूज करके आप तुक्का लगाना, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आप बाकी बच्चों को ओवरटेक कर पाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो, सबसे बड़े वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में ये रूल फॉलो होता हुआ दिखेगा। एक्सट्रीम ऑप्शंस बहुत कम बार होते हैं जो करेक्ट आंसर होते हैं, आपको जनरली जो आंसर दिखेगा वो कहीं ना कहीं बीच में दिखेगा, तो आप कोशिश करो कि बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। इसके अलावा आपके पास में कोई और बेटर मेथड नहीं है तो आपको इस मेथड को जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटर मेथड होता तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाता राइट। अब आ जाओ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, समझना रूल क्या है समझना, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, मान लो वाई एक्स 1/x और जेड, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस इस तरीके से दिख जाए तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर ये समझना है टीचर की साइकोलॉजी। जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया, जिस भी टीचर ने ऑप्शंस बनाया उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके दिमाग को समझो, उसने K/4 भी दिया, उसने 4K भी दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस हमारे क्या होते हैं, चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं कि हमारे पास में जो है इन 2 में से करेक्ट आंसर निकल करके आ सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, इन दोनों में से हमारे पास में करेक्ट आंसर जो है निकल करके आ सकता है राइट, क्योंकि हमारे पास में 4 जो है ना वो 2 बार दिख रहा है, एक बार डिवीजन में भी दिख रहा है, एक बार प्रोडक्ट में भी दिख रहा है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में, यहां पर भी आप देखो रेसिप्रोकल ऑप्शंस y x 1/x और z, अगर आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए तो आप उसमें तुक्का लगाओ। क्वाड्रपल का मतलब है 4 टाइम्स, डबल का मतलब है 2 टाइम्स, हाफ का मतलब है 1/2 और अनचेंज्ड का मतलब है 0, तो ये दोनों क्या है, हाफ और 1/2, ये हाफ और 2 जो है ये रेसिप्रोकल है, तो आप देखो सेम चीज ही हुआ, यहां पर क्या था 1/4 और 4 था रेसिप्रोकल, यहां पर क्या था हमारे पास में 2 और 1/2 था रेसिप्रोकल, तो आप इनमें से तुक्का लगाओ, क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है ना उसको करेक्ट आंसर पता होता है, और उसके दिमाग में ना बार बार 2 क्यों घूम रहा है, वो 1/2 भी दिया है, 2 भी दिया है, यहां पर इस क्वेश्चन में वो 4 भी दिया है, 1/4 भी दिया है, मतलब कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग में ये नंबर्स चल रहे थे, और जो नंबर टीचर के दिमाग में चल रहा होता है ना, जिसके वजह से वो बार बार सिमिलर ऑप्शंस देता है थोड़ा सा हेरफेर करके, समझ लो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा है उनमें से हमारे करेक्ट आंसर के होने का। क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके गेसिंग करो, अंधा तुक्का आप लोग जो है मत मार लिया करो ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर हम यूज करेंगे डायमेंशंस। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है हमारे पास में, एनर्जी हमारे पास में क्या होता है,
एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन। अब आप क्या करो, एक एक करके डायमेंशन चेक कर लो, ठीक है, एक एक करके आप डायमेंशन चेक कर लो, क्लियर है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डायमेंशन अगर आप देखोगे तो हमारे पास में QE जो है वो फोर्स के बराबर होता है, राइट। तो आप यहां पर अगर देखोगे QE y square, तो ये हो जाएगा F d square के बराबर हो जाएगा, क्योंकि QE तो फोर्स होता है, आपको पता है, राइट। और Y जो है वो हमारे पास में एक तरीके से क्या है, Y हमारे पास में डिस्टेंस है, तो F d square। अब F d का d square का जो डायमेंशन है, क्या वो इससे मैच हो रहा है, चेक कर लो आप डायमेंशन को। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, डी स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, एम एल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये इससे मैच कर रहा है, ये कितना है, ये हमारे पास में है एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों क्या हुआ, हमारे पास में मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो अजीब सा दिखेगा, एफ इंटू ई इंटू वाई, अजीब सा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर भी डायमेंशन देगा ना आपको, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा डी। तो ये एफ इंटू डी हो गया, इसका डायमेंशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी के जगह एल लिख देता हूं, और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख देता हूं, एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख देता हूं वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी की जगह मैं लिख देता हूं एल बाई टी, तो एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये इसके साथ में जो हमारा मैच हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा जो है ना वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने की जरूरत नहीं, आप डायमेंशन देख करके भी तुक्का यहां पर जो है लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना हमारे पास में क्या है, वर्क के बराबर भी होता है, ठीक है ना, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो फोर्स क्यूई और डिस्प्लेसमेंट वाई, तो इस तरीके से क्या है, विदाउट सॉल्विंग आप ओरली भी क्वेश्चंस को जो है उड़ा सकते हो, राइट। मैं आपको इस चारों क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स का जो वो है वो मैं बता देता हूं, आंसर की क्या है हमारे पास में जो करेक्ट आंसर की दिया है ना, वो हमको दिया है सी बी बी सी, इसका दिया है सी, इसका दिया है बी, ठीक है, इसका दिया है बी और इसका दिया है सी। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स दिया है। लास्ट क्वेश्चन तो सही है, बाकी पहले तीन क्वेश्चन का आंसर की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। जो आंसर की बुक में दिया था वो मैं आपको बता दियो, आपको अगर देखना हो आप सॉल्व करके अपने एंड से देख लेना, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख करके फिर आपको प्रॉपर आंसर बताऊं, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली यही करेक्ट आंसर होगा, इन केस ना हो तो आप माइंड मत करना, ठीक है ना। बट तुक्का लगाना कैसे ये आप समझो, ट्रिक्स को लगाना कैसे ये आप समझो, इंटेलिजेंट गेसिंग करना कैसे ये चीज आप समझो, जिससे कि आप एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का मार के अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओ। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और आपको तुक्का उन्हीं क्वेश्चंस में मारना है जो आप छोड़ देते हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। जो सॉल्व होते हैं वहां तुक्का नहीं लगाना है, जो सॉल्व नहीं होते वहां पे आपको तुक्का लगाना है। तो अगर 180 का हमारा पेपर है उसमें से मान लो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो जो बचे हुए 80 है उसमें से आप अगर 30 क्वेश्चन तुक्के से सही कर लो तो आपका फाइनल टोटल बहुत अच्छा आएगा 130 प्लस का, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लड़ाई सिर्फ सॉल्विंग की नहीं है, लड़ाई उसकी भी है कि जो क्वेश्चंस छूटे रहते हैं, जो बचे रहते हैं, जिसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, वहां कौन बेटर तुक्का लगा सकता है, वो लड़का जो है, वो बच्चा जो है, वो बच्ची जो है आगे निकल जाएगी एग्जाम के कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।